शिव पार्वती विवाह के उपरांत रंगभरी एकादशी पर बाबा के गौना की रस्म का उत्सव सोमवार से टेढ़ी नीम स्थित विश्वनाथ मंदिर के महंत आवास पर आरंभ हो गया। महंत आवास पर गौरा के रजत विग्रह को संध्या बेला हल्दी लगाई गई। महंत आवास पर गौरा के विग्रह को तेल हल्दी की रस्म के लिए सुहागिनों और गौनिहारिनों की टोली महंत आवास पहुंची। इस उत्सव में मोहल्ले की बुजुर्ग महिलाएं भी शरीक हुईं। सोमवार की शाम हुए इस उत्सव में ढोलक की थाप और मंजीरे की खनक के बीच मंगल गीत गाते हुए महिलाओं ने गौरा को हल्दी लगाई। मांगलिक गीतों से महंत आवास गुंजायमान हो उठा। लोक संगीत के बीच शिव पार्वती के मंगल दाम्पत्य की कामना पर आधारित पारंपरिक गीतों का क्रम देर तक चला। गीतों में गौने के दौरान दिखने वाली दृश्यावली का बखान किया गया। मंगल गीतों में यह चर्चा भी की गई कि गौना के लिए कहां क्या तैयारी हो रही है, दूल्हे के स्वागत के लिए कैसे कैसे पकवान बनाए जा रहे हैं, सखियां पार्वती का साज श्रृंगार करने के लिए कौन कौन से सुंदर फूल चुन चुन कर ला रही हैं। हल्दी की रस्म के बाद नजर उतारने के लिए गीत गाकर महिलाओं ने गौरा की रजत मूर्ति को चावल से चूमा। गौरा के तेल हल्दी की रस्म के लिए महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी के पुत्र पंडित वाचस्पति तिवारी के सानिध्य में राजू रत्न मिश्र ने माता गौरा का श्रृंगार किया। हल्दी रस्म से पूर्व पूजन आचार्य सुशील त्रिपाठी ने कराया। सांस्कृतिक कार्यक्रम शिवांजलि के अंतर्गत श्रद्धालु महिलाओं द्वारा शिव भजनों की प्रस्तुति की गई। आज माता को हल्दी लगा है, इसके पहले जो है पालकी का पूजन करके मरम्मत सफाई करने के बाद पूजन किया गया। माता को हल्दी लगा है, माता को हल्दी लगने के बाद जो है बाबा जो है विराजमान होंगे, दामाद का आगमन होगा और 20 मार्च को जो है बाबा का गौना बारात निकलेगा। इसी लोकाचार के क्रम में आज माता को जो है हल्दी लगी है और सुहागिन महिलाएं जो है पारंपरिक लोकाचार के गीत गा रही हैं और तेल हल्दी लगा रही हैं। अच्छा, किस तरह महंत आवास का उत्सव मनाया जा रहा है? देखिए, ये जो महंत आवास है, ये महंत आवास जो है गौरा सदनिका के रूप में जाना जाता है। जब माता गौरा का जो गौना होता है तो ये गौरा का मायका बन जाता है, इसलिए इसे गौरा सदनिका कहा जाता है। अभी गौरा सदनिका से जो है माता गौरा की पालकी निकलकर मंदिर तक जाएगी और वहाँ पे जो है सप्तऋषि आरती होगी। उसके पहले काशीवासी यहाँ पे जो है बाबा के साथ जो है होली खेलेंगे और बाबा की गौना में शामिल होंगे।